यस सरकार, चैप्टर नंबर 20 लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। बच्चों आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो दिल से। सर देना यू आर यू नो आपकी वजह से मेरी जिंदगी चलती है बेटा, सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो। सर सारे लेक्चर्स जो आपने फुल कोर्स लिया या फास्ट ट्रैक बेस लिया जो भी लिया आपने जब पढ़ा होगा, प्लस ये रिवीजन लेक्चर अगर आपने दो बार देख लिए सर माहौल हो जाएगा एग्जाम्स के अंदर। आई नीड कि सर आप सब लोग इन लेक्चर्स को दिल से सुने, कॉन्सेंट्रेशन से सुने। अच्छा मैं जो ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिवीजन लेक्चर्स, इट्स नॉट एसेंशियल कि जो स्टूडेंट्स मेरे से फुल कोर्स पढ़ चुके हैं वही देखे। नहीं सर ये लेक्चर कोई भी देख सकता है। मैंने इन लेक्चर को रिकॉर्ड करते वक्त ये ध्यान रखा है कि एनी स्टूडेंट जो भले ही मेरे से पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड द फीस ऑल्सो बेटा, क्लियर। हम कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प भी करते हैं, पर हाँ स्टिल एनी बडी कैन वॉच दिस लेक्चर्स एंड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि अल्टीमेट पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, एंड यू आर दी बैकबोन ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। ओके तो सरकार नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 85 लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। सर अगर कभी भी कोई बिजनेस ट्रांसफर करता है तो ध्यान रखना ट्रांसफर एंड ट्रांसफ्री, सुनो बच्चों ध्यान से, सर बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द ट्रांसफरर। अगर ट्रांसफर के कोई ड्यूज बाकी थे तो सर ट्रांसफ्री एंड ट्रांसफर बोथ विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। ट्रांसफ्री ये नहीं कह सकता है कि सर मैंने तो बिजनेस परचेज किया है बोनाफाइड परचेज किया मेरे से मत रिकवरी करी, नहीं बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल बेटा। इसलिए बिजनेस टेक ओवर करने से पहले हमेशा ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है टैक्सेशन के रेस्पेक्ट में कि कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बाकी तो नहीं बेटा, क्लियर। अच्छा देन ना ट्रांसफर में भी बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, लीज, लिव इन लाइसेंस, हायर और एनी अदर मैनर बेटा। ओके देन ना बेटा बिजनेस सर लायबिलिटी जो बाकी थी ट्रांसफर की वो भले ही बिजनेस ट्रांसफर होने के बाद में पता पड़ी या पहले से पता थी बेटा उसे कोई कंसर्न नहीं, बोथ आर लायबल। अच्छा बिजनेस ट्रांसफर हो गया, अब बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसफर बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, उसकी भी लायबिलिटी थी तो ऑब्वियसली बताओ तो ट्रांसफर ही पे करेगा बेटा। आइए सेक्शन 86 की तरफ, लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। अच्छा बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि अगर एजेंट सप्लाई करता है टू कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे एजेंट अपना खुद का इन्वेस्ट इशू करता है वहां एजेंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, प्रिंसिपल के ऐसे एजेंट को जाएगा और टैक्स लग के आएगा बेटा। पर अगर एजेंट जब कस्टमर को बेचता है उसने अगर टैक्स पे नहीं किया तो प्रिंसिपल विल बी लायबल टू पे ड्यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ एजेंट ऑल्सो बेटा। और अगर एजेंट ने रिसीव किया कोई गुड्स या सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल जहां रिवर्स लगता है तो ऐसे केस में सर रेसिपिएंट लायबल होगा, रेसिपिएंट मतलब एजेंट लायबल है, उसकी लायबिलिटी भी प्रिंसिपल पे करेगा अगर एजेंट पे नहीं करता तो, या एजेंट क्या से प्रिंसिपल किया गया है तो जब सप्लाई माना जाता है इसको बेटा एजेंट लायबल होगा, एजेंट अगर पे नहीं किया तो प्रिंसिपल लायबल, एजेंट अगर पे नहीं किया तो प्रिंसिपल भी लायबल होगा बेटा, क्लियर। इसलिए जब आप अपना एजेंट इस तरह का अपॉइंट करते हो तो सोच समझ के अपॉइंट करना, क्योंकि अगर वो लायबिलिटी पे नहीं करेगा तो प्रिंसिपल के लग गए, क्लियर। प्रिंसिपल भी पे करना के लिए लायबल होगा सेक्शन 86 के थ्रू। बाय डिफॉल्ट एजेंट लायबल होता है अगर उसने सप्लाई किया तो, पर उसने पे नहीं किया डिपार्टमेंट को तो प्रिंसिपल विल ऑल्सो भी लायबल। ओके सर सेक्शन 87 बोलता है लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर ऑफ द कंपनीज। देखो बेटा जब भी दो कंपनीज अमलगमेट होती है तो ऐसे केस में सर फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी है, दोनों अमलगमेट हो गई, मर्ज हो गई, ए बी लिमिटेड बन गया बेटा। पर ध्यान रखना इनकी अमलगमेशन की फाइल अप्रूव होती कहाँ से, हाई कोर्ट से। तो सर मान लो 14 फेब को दो कंपनीज अमलगमेट हुई, भाई कंपनी की बात करूँ ध्यान रखना, समझ रहे हो मेरी बात, कंपनी का अमलगमेशन हुआ है 14 फेब को, पर इसकी एप्लीकेशन गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इसकी अप्रूव दी कब, 15 जुलाई को। तो सर 15 जुलाई को जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा सर फिर कंपनीज एक्ट में इसका इनकॉर्पोरेशन होगा 15 जुलाई, सुनना बच्चों ध्यान से, वो हो गया डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। पर सरकार इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन होगा क्या, 14 फेब। पर सर जब 14 फेब से 14 जुलाई तक इन दोनों कंपनी ने आपस में ट्रांजेक्शन किए होंगे तो क्या इनको पता था कि अमलगमेशन की एप्लीकेशन हाईकोर्ट अप्रूव कर देगा बेटा, नहीं पता था। इसीलिए सर 14 जुलाई तक ये दोनों कंपनी ने अगर आपस में ट्रांजेक्शन किए तो दोनों को सेपरेट पर्सन मानेंगे, क्योंकि तब तक दोनों के पैन नंबर सेम अलग सेम नहीं थे, अलग अलग थे, दोनों को अलग अलग कंपनी मानते हुए दोनों ने आपस में जो सप्लाई किया वो सब क्या होगा, सप्लाई कहलाएगा, ट्रांजेक्शन में जीएसटी लगता जाएगा बच्चों, क्लियर, समझे मेरी बात। ओके अब सर अमलगमेशन होने के बाद, जो अमलगमेटेड कंपनी है या मर्ज कंपनी है वो दोनों कंपनी एक बन गई है, दोनों का अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन हो गया जीएसटी के अंदर तो सेम पर्सन हो जाएगा, और ध्यान रखना दोनों की पुरानी अगर लायबिलिटी बाकी तो अमलगमेटेड या मर्ज कंपनी लायबल होगी पे करने के लिए सारे ड्यूज बेटा। ओके आइए सेक्शन 88 बोलता है कि लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, जब भी लिक्विडेटर अपॉइंट होता है लिक्विडेशन केस में तो लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट वो कमिश्नर को इंटीमेट करेगा कि इस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, मैं इसका लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं ऑफिशियल, अब आपके कोई ड्यूज हो तो मुझे बता दो, और कमिश्नर को विद इन 3 मंथ
इंटीमेट करेगा कि इतना ड्यूज हमारा बाकी है, आप इतना अमाउंट सेपरेट रखिएगा, इतना अमाउंट हमारे को दीजिएगा बाद में बेटा, क्लियर। और हाँ, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर कंपनी ड्यूज पे नहीं करती है, पे करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं है, तो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी जॉइंटली एंड पर्सनली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी। पर अगर कोई डायरेक्टर प्रूव कर देता है कि ही वॉज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व इन द ऑफेंस या उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है, तो ऐसे केस में उस डायरेक्टर को छोड़ देंगे, बाकी सब डायरेक्टर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली एंड पर्सनली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी बेटा। देन आइए सेक्शन 189 बोलता है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी अगर रनिंग है बेटा, लिक्विडेशन नहीं है, रनिंग है, तो ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेल बी जॉइंटली एंड पर्सनली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी बच्चों। और हाँ, ध्यान रखना, अगर कोई कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब क्या बन गई है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई बेटा। अच्छा, तो ऐसे केस में जब तक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी तब तक के ड्यूज के लिए सारे डायरेक्टर लायबल होंगे। जिस दिन से पब्लिक लिमिटेड बन गई उस दिन से डायरेक्टर लायबल नहीं होगा, पर जिस दिन तक प्राइवेट लिमिटेड थी उस दिन तक के ड्यू के लिए डायरेक्टर विल बी कंटिन्यू टू बी लायबल। पर हाँ, अगर कोई डायरेक्टर प्रूव कर देता है कि वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं थी, उसी की गलती नहीं थी, तो उस डायरेक्टर को छोड़ देंगे, बाकी सब डायरेक्टर से पर्सनली हम रिकवरी करेंगे, डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा। और हाँ, अगर कोई पेनल्टी डायरेक्टर पे पर्सनली लगाई गई है तो वो पर्सनल डायरेक्टर की पेनल्टी होगी, वो कंपनी एज ए होल की लायबिलिटी नहीं होगी, उसके लिए अदर डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे। उस पर्सनल डायरेक्टर की पेनल्टी है तो वो पर्सनली पे करेगा बेटा। देन आइए सेक्शन 190, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म टू पे द टैक्स। सर, एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म विल बी जॉइंटली सेवरली एंड पर्सनली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म, क्लियर। और हाँ, द टर्म फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स LLP, क्लियर। पर हाँ, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जिस दिन वो रिटायर होता है उस दिन तक के ड्यू के लिए वो लायबल होगा, पर उसके बाद वाले ड्यूज के लिए वो लायबल नहीं होगा। पर उसके रिटायरमेंट के एक महीने के अंदर अंदर उसको ज्यूरिस्डिक्शनल कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि साहब मैं इस फर्म से रिटायर हो गया हूं। पर अगर उसने ये इंटीमेशन नहीं दिया तो हिज लायबिलिटी विल कंटिन्यू अंटिल ही गिव इंटीमेशन टू द कमिश्नर। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों, डन। और सर, ध्यान रखना, सेक्शन 91 बोलता है लायबिलिटी ऑफ गार्जियंस और ट्रस्टी एटसेट्रा, जैसे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है बेटा, या सर माइनर है कोई पर्सन, उसके नाम बिजनेस है, तो कोई गार्जियन या ट्रस्टी बिजनेस उसके बिहाफ पे कर रहा है, तो दैट गार्जियन और ट्रस्टी विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज द टैक्सेबल पर्सन, और सारी ड्यूज वगैरह उस गार्जियन या ट्रस्टी को पे करना पड़ेंगे एज इफ ही वॉज कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर हिमसेल्फ। आइए सेक्शन 92, लायबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड एटसेट्रा। अगर कभी किसी डिस्प्यूटेड मैटर में कोर्ट ऑफ वार्ड अपॉइंट हो गए है, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट हो गए है, या ऑफिशियल ट्रस्टी अपॉइंट हो गए एंड दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो ऐसे केस में अगर कोई ड्यूज बाकी है, भले टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ भी हो, तो ड्यूज विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दोज ऑफिशियल ट्रस्टी या कोर्ट ऑफ वार्ड एटसेट्रा एज इफ दे वर कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर देमसेल्फ, क्लियर, एज अ टैक्सेबल पर्सन। देन सेक्शन 93, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। सबसे पहली बात, अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो ऐसे केस में लायबिलिटी कौन पे करेगा? अगर डेथ हो गई है तो सर दो ऑप्शन आएंगे, क्या उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल है उस डिसीज पर्सन का, क्लियर। भले लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ डेथ एग्जिस्टिंग थी या बाद में लायबिलिटी पता पड़ी, वो जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो लायबल होगा। पर अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो लीगल हायरर विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द डिसीज पर्सन। पर हाँ, अगर इस केस में जब बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है और लीगल हायर लायबल है, तो लीगल हायर विल बी लायबल मैक्सिमम टू द एक्सटेंट जितना प्रॉपर्टी इनको इनहेरिटेंस में पास ऑन हुआ उतना ही मैक्सिमम वो लायबल होंगे। देन सर, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व हो गई, LLP डिजोल्व हो गई, या AOP डिजोल्व हो गई, या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अब HUF नहीं रहा, तो ऐसे केस में सर एवरी मेंबर ऑफ द HUF, एवरी मेंबर ऑफ द AOP और एवरी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म या LLP विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म AOP और HUF, क्लियर। ध्यान रखना, सारे मेंबर लायबल होंगे जॉइंटली एंड सेवरली। और हाँ, लास्ट पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप और ट्रस्टीशिप। मान लो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन साउंड माइंड का हो गया या माइनर पर्सन अब मेजर हो गया, तो ऐसे केस में अगर कोई पहले के ड्यूज बाकी थे तो दैट माइनर जो अब मेजर हो गया वो लायबल होगा, या अनसाउंड माइंड वाला पर्सन जो साउंड माइंड का हो गया उस पे लायबिलिटी जाएगी और वो लायबिलिटी उसको पे करना पड़ेगा एज इफ ही वॉज कैरिंग ऑन द बिजनेस अर्लियर ऑल्सो बेटा। मतलब जिसका अनसाउंड माइंड था अब लायबिलिटी सारी उसकी आ गई साउंड माइंड होने की, तो साउंड माइंड होने के बाद तो सर वापस अनसाउंड माइंड का होने का चांस है उसका बेटा, क्लियर माहौल। अच्छा, ऑल दिस प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड बेटा। एंड लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर सेक्शन 94, लायबिलिटी इन अदर केसेस। बच्चों, अगर मान लो सर HUF, अभी हमने बात करी HUF डिसॉल्व हो गया, पार्टनरशिप बंद हो गई, AOP बंद हो गया, नहीं, अब अगला पॉइंट आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, बिजनेस बंद कर दिया, परिवार अभी भी परिवार है, जिस वजह से परिवार में डिस्प्यूट हो रहा था वो वजह हमने बंद कर दी, माहौल हो रहा है, सरकार हम साथ साथ है, अगर पार्टनरशिप हम अभी भी कंटिन्यू है,
एओपी अभी भी है, एचयूएफ अभी भी, पर बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई ड्यूज बाकी थे तो सर ऑल द ड्यूज के लिए सारे मेंबर्स, सारे पार्टनर्स विल बी लायबल टू पे द ड्यूज एज इफ दे वर कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर देमसेल्फ बेटा. हाँ है ना, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे ड्यूज के लिए बेटा. क्लियर, डन, भारत माता की जय. इसी के साथ चैप्टर नंबर 20 भी खत्म होता है. अब थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी. थैंक यू सो मच.